खरगोन जिले भर में शासकीय विद्यालयों में सोमवार का दिन विद्यार्थियों के लिए अलग और यादगार रहा। यहां आम दिनों की भांति उन्हें न केवल शिक्षकों बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पढ़ाया है। उन्हें कई संघर्षशील लोगों की सफलता भरी कहानियां सुनाई, जिन्होंने शिक्षा के बल पर समाज में अलग मुकाम हासिल किया। अवसर था स्कूल चले हम अभियान का। अभियान सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ। शिक्षक बनकर आए अफसरों ने पहले बच्चों के साथ वक्त बिताया और फिर मुख्यमंत्री का संदेश सुना। अभियान को लेकर बच्चों में ऐसा उत्साह था कि सीएम के संदेश के दौरान कई बार तालियां बजी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने उत्कृष्ट विद्यालय सहित अनेक विद्यालयों में बच्चों की क्लास ली। इस तरह करीब 150 प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के विद्यालयों में एक दिन के शिक्षक की भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। तो इसमें देखिए, अब इसमें इसका एक किसी भी एटम का एक जो मास निकालते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजन जो काउंट करते हैं उसको मास निकाल देते हैं, पर इलेक्ट्रॉन को मास नहीं होता है। क्रियाशील उदासी किसी काम का नहीं। जैसे हम बन जाए, हम अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं तीनों में से कि हम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, न्यूट्रॉन। वैसे ही पढ़ाई करता हूँ ना कि हम क्या है, है? हमको क्या बनना है। तो न्यूट्रॉन हमेशा अक्रियाशील रहता है, बस प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी सही ना? तो क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन मतलब होगा पॉइंट माइंडेड और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माइंडेड। आपने देखा ना उस पर नेगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हम भी सोच सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं, प्रोटॉन बन सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें भी एटम होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं जल्दी से। गुड गुड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वेरी गुड। चलिए आज की पढ़ाई हो गई है ना। अब देखिएगा इसमें दो उसकी नाभि में रहते हैं और एक बाहर चक्कर लगाता है। मालूम होगा हार कौन तक लगाता है? ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन को क्लास भी ली, क्या समझाई थी? आज पूरे प्रदेश में ही हमारे पूरे खरगोन जिले में भी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शाजापुर जिले से किया जा रहा है। और इसमें शासन की जो मंशा है कि स्कूलों की जो शुरुआत है वो बेहतर तरीके से हो, इसमें सभी जिले के अधिकारीगण, प्रबुद्धजन, समाजसेवीगण, सभी तरह के जो लोग हैं वो किसी न किसी स्कूल में जा करके बच्चों को अपने अनुभव शेयर करें, अपने कहानी सुनाएं और अपनी सफलता का राज बताएं। उसी कड़ी में आज उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनसे अपने अनुभव शेयर किए। मैंने पढ़ाई के कुछ टिप्स शेयर किए कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ करके उनको अपनी गाइड बनाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें उनसे चर्चा की गई है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो चलो अभियान पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में एक बच्चों के लिए नई ऊर्जा का संचार करेगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा और अपने बच्चे बेहतर पढ़ करके अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे और अपनी जिंदगी बनाने में सफल होंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।